हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही एक्साइटिंग, तो एंड तक ज़रूर देखना। और आज की वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ कि आप जब जो कॉलेज गर्ल है जो सिंपल रहना पसंद करती है, वो अगर किसी पार्टी में जा रही है या फेयरवेल पार्टी में जा रही है, किसी बर्थडे पार्टी में जा रही है, तो वो कैसा मेकअप लुक कर सकती है। एकदम सिंपल और साधारण तरीके से मैं बताऊँगी। इसमें स्टार्ट करते हैं वीडियो को, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, एंड अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर देना बेल बटन दबाकर, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और मेरी वीडियो को सबसे पहले देखें। एंड अगर पहला लाइक आए तो मैं आपके जो लाइक है, जो कमेंट है, उसे मैं पिन जरूर करूँगी अपने कमेंट बॉक्स में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं कुछ ट्रिक भी बता रही हूँ, तो अगर आप उसे फॉलो करते हो तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ जेल से। तो अक्सर लोग मेकअप के पहले प्राइमर लगाते हैं, कुछ ऐसे जो क्रीम लगाते हैं जिससे हमारी जो भी हम प्रोडक्ट यूज करें वो हमारे स्किन को हार्म नहीं करे। तो मैं यहाँ पर सबसे सिर्फ वन ऑल इन वन बता रही हूँ प्रोडक्ट जिसमें आपको प्राइमर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या अच्छे जो एलोवेरा जेल, सिर्फ ये यूज करो। ये आपके जो स्किन है उसके लिए हर तरह से प्रोटेक्ट करता है। मुझे ये यूज करना बहुत पसंद है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हल्का सा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं लूँगी, और मैं अपने फेस पर एक मॉइस्चराइजर के जैसा, या आप समझो क्रीम के जैसा, इसे मैं अच्छे से अपने फेस पर मसाज कर लूँगी। तो इस तरीके से आपको फेस पर लगा लेना है। ये समर के लिए भी मेकअप बहुत अच्छा है। आप आराम से समर में अगर कभी जा रहे हो, क्योंकि आजकल गर्मी तो बहुत हो रही है, तो कहीं जा रहे हो पार्टी में हो या किसी भी कहीं टूर पर भी जा रहे हो, तो आप इस लुक को इस तरह से क्रिएट करेंगे। अगर आप डायरेक्ट फाउंडेशन, ओनली फाउंडेशन यूज नहीं करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक देती हूँ। ये है लैक्टो कैलामाइड स्किन मॉइस्चराइजर है। तो ये ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। ड्राई स्किन के लिए नहीं है ये ऑयली स्किन के लिए है। तो मेरा फेस थोड़ा ऑयली हो जाता है समर में, तो मैं ज़्यादातर इसे ही यूज़ करती हूँ। तो ये आपको अंडर 60 या अंडर 70 में इजीली मार्केट में मिल जाता है, तो मैं ज़्यादातर इसे ही यूज़ करती हूँ अगर किसी भी पार्टी में, फंक्शन में जा रही हूँ। तो इस तरीके से मुझे, मैं बस थोड़ा सा दिखाती हूँ मैं कितना ले रही हूँ, बस इतना सा मैं ले लूँगी। और इसके साथ मैं यहाँ पर, ये है मेरा फाउंडेशन, ब्लू हेवन का फाउंडेशन है। ये भी आपको अंडर 60 या अंडर 70 रुपीज़ में इजीली मिल जाएगा मार्केट में, आपके नज़दीकी स्टोर में। तो ऑनलाइन में अवेलेबल है ये, और मार्केट में भी आपको आराम से मिल जाएगा। तो मैं ज़्यादातर इसे भी यूज करती हूँ। तो इस तरीके से हम यहाँ पर थोड़ा सा, मैं दिखाती हूँ आपको मैं कितना सा लूँगी, बस ज़्यादा यूज नहीं करूँगी मैं, आप देख सकते हो बस इतना ही सा मैंने यूज़ किया। और ये दोनों क्रीम और फाउंडेशन को मैं इस तरीके से मिला लूँगी अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ अच्छे से मेरा मिल चुका है फाउंडेशन और क्रीम, और इसे मैं अब अपने क्रीम के जैसे या फाउंडेशन के जैसे, आप जैसे मिलाना चाहो, इसे अच्छे से अप्लाई कर लो अपने फेस पर। एरिया को भी अच्छे से कवर कर दो, क्योंकि यानी कि ये छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी ड्रेस हम पहनते हैं तो ये जरूर हमारे फ्रंट में दिखता है फेस के बाद, तो इसलिए आपने एरिया को भी अच्छे से कवर कर लो। इस तरीके से मैं कवर कर ली हूँ। अब फेस को आप चाहे तो स्पंज आपके पास होगा, ब्यूटी ब्लेंडर होगा या ब्रश होगा, तो उससे भी आप इसे आराम से मिला सकते हो। तो मैं यहाँ हाथ से ही आपको मिला के दिखा रही हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास, अगर हम मेकअप नहीं करते हैं, हम मेकअप उतना करना पसंद नहीं है, तो हम ज़्यादातर ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं रखते हैं अपने पास। तो मैं भी स्टार्टिंग में ऐसे ही करती थी, मेरे पास ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं होते थे। सो यहाँ पर मेरा फाउंडेशन एंड क्रीम मिक्स मैच हो गया, आप देख सकते हो लग रहा है हल्का क्रीमी। तो चलो नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब हमारे पास इस तरीके का कॉम्पैक्ट जरूर होता है। ये मेरा लैक्मी का कॉम्पैक्ट है। तो अक्सर हम कभी शादी पार्टी में गए, कुछ भी करते हैं, तो इस तरह के कॉम्पैक्ट हम जरूर अपने पास रखते हैं। अगर नहीं है तो आप कोई भी पाउडर यहाँ पर यूज कर सकते हैं, पॉन्स यूज कर सकते हैं, जॉनसन बेबी पाउडर यूज कर सकते हैं, कोई भी पाउडर आप आराम से यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ, तो इसे मैं अच्छे से अपने जो फाउंडेशन क्रीम लगाई है उसे मैं सेट कर लेती हूँ, देख सकते हो इस तरीके से। नेक एरिया को भी आप अच्छे से कवर कर लें। हाई नेक पहन रहे तो आप
चल जाएगा, लेकिन अगर डीप नेक पहन रहे हो तो आपको नेक एरिया को भी अच्छे से कवर करना चाहिए। इस तरीके से आप अपने फाउंडेशन क्रीम कॉम्पैक्ट इजिली आप लगा सकते हो, और ये आप लोग ना 10 मिनट्स में आप आराम से कंप्लीट कर लोगे। अगर जल्दी है, कहीं जाने की जल्दी है, अगर आपके पास समय नहीं है, तो आप इस लुक को ना बहुत आराम से इजिली कर सकते हो, और कोई कहेगा भी नहीं कि आपने कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही। चलो ये तो हो गया हमारा फेस कंप्लीट। अब यहाँ पर मैं यूज करी, ये मेरा काजल है, काजल प्लस आईब्रो पेंसिल। तो आईब्रो पेंसिल को भी हम हल्का सा फील करेंगे, क्या है ना कि जब भी हम क्रीम फाउंडेशन लगाते हैं तो ये हल्का सा छिप जाता है अगर हमारा, क्योंकि मेरा तो ठीक है ना यहाँ पर आईब्रो, किसी के होते हैं हैवी, किसी के डार्क होते हैं, तो वो यूज़ नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन जिसके इस तरह से आईब्रोज जो क्रीम पाउडर, चलो इससे मैं अपने आईब्रोज को फिल कर लेती हूँ। क्या है कि आईब्रोज फिल करने के लिए भी अब पेंसिल्स या जेल आ रहे हैं, तो आप वो भी इजिली आराम से ऑनलाइन मंगा सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन तो अभी आया नहीं है मार्केट में, तो ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं। तो जो नहीं मंगा सकते, जिनको नहीं इतना अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो इस तरीके से काजल पेंसिल या आईब्रो पेंसिल से जो लोकल मार्केट में मिलते हैं ना, उससे भी आप आराम से बना सकते हो। तो आपको बनाने का ट्रिक ये है कि आप कभी भी बनाओ तो डार्क हाथ नहीं चलाओ, यानी मतलब दबा कर नहीं आईब्रो फिल करो, तो हल्के हाथों से आप इसे फिल करो, क्योंकि ये आईब्रो अगर ज़्यादा दब कर दोगे ना तो बहुत सा हेवी सा आपका लुक, बहुत डार्क दिखेगा आपका थ्रेड। तो आप हल्का ही इसे मिलाओ, यहाँ हल्के हाथों से आप इस तरीके से पेन पकड़ो यहाँ पर लास्ट में, और इसे ही हल्के से इस तरीके से शेप दे दो आपका, जो भी शेप है आपके आईब्रोज का। ठीक, देन इस तरीके से, एंड इसके जो टिप है उसके ऊपर इस तरह का कॉम्ब दिया हुआ है, बस उस कॉम्ब से आप आईब्रोज को इस तरीके से सेट कर लो, यानी जैसे बालों को झाड़ते ना, उस तरीके से इसे भी झाड़ लो। अब ये भी बाल है भाई, इसे भी तो केयर करनी पड़ेगी, तो बस इस तरीके से यहाँ पर मैंने बस डन हो गया। अब नेक्स्ट आता है स्टेप हमारा शैडो। अगर आप शैडो नहीं यूज करते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप कर सकते हो। अगर आपको मन है शैडो यूज़ करने का और आपके पास शैडो पैलेट नहीं है, तो इसके लिए क्या ट्रिक है, तो ये मेरा सेकंड ट्रिक ये है, मैं बता। सो इस तरीके की लिपस्टिक आपके पास होगी, इजिली होगी, किसी के पास भी होती है, अगर हम नहीं भी रखते तो हमारी माँ के पास तो मिल ही जाएगी। तो बस इस तरीके की लिपस्टिक आपको लेनी है, कोई भी कंपनी की आप ले सकते हो, जरूरी नहीं कि आप हाई ब्रांड के ही लो, लोकल मार्केट से भी आराम से आप इसे ले सकते हो। तो मैंने यहाँ लोकल मार्केट से ही लिया हुआ है, तो इससे हम अपना मेकअप लुक क्रिएट करते हैं। तो शैडो के लिए मैं यूज़ करूँ यही लिपस्टिक। लिपस्टिक को बस हम हल्का सा अपनी आई लिड पर इस तरीके से लगाएंगे, हो गया, ज़्यादा नहीं लगाना हमें, हल्का ही लगाना है, क्योंकि हमें भाई सिंपल मेकअप लुक क्रिएट करना है, तो हमें ज़्यादा लगाने से क्या फ़ायदा। तो बस, और हमारे फिंगर तो है ही, बस फिंगर से इसे अपने अच्छे से फैला लो अपने आईज पर। चलो डन। तो अब क्या होता है, हमारी एक गलती भी हो जाती है कभी कभी मेकअप करने पे, क्योंकि भाई हमें तो पता नहीं, हम तो बिगनर्स हैं, तो मेकअप गलती हो गई है तो उसे कैसे रिकवर करें, कैसे सही करें। तो आप देखो, मैंने यहाँ पर जो लगाया लिपस्टिक, आप देखो इसमें हल्का सा मैंने इधर बाहर कर दिया, एंड ज़्यादा इसमें लग गया है, और इसमें कम है, एंड ये अच्छे से थोड़ा सा स्मच हो गया है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसके लिए हम करेंगे, हमारा जो कॉम्पैक्ट है, बस कॉम्पैक्ट लेंगे, इसमें हल्का सा लगा लेंगे इस तरीके से, और इसे हम जो आज में मेरे ज़्यादा हो गई है, बस उधर की एरिया में हम इस कॉम्पैक्ट को इस तरीके से लगा लेंगे, अच्छे से थोड़ा सा स्मच कर लेंगे। ब्रश होती है तो ब्रश से तो हम इजिली कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारे पास ब्रश नहीं है तो हम क्या करें। हो गई मेरी आईज, अब बारी आती है लाइनर की। तो लाइनर के लिए भी मैं यहाँ पर ले रही हूँ लोकल मार्केट का ही, मैंने जितने भी प्रोडक्ट यहाँ यूज़ किए हैं सारे लोकल मार्केट के हैं। तो ये मिलैब का आई लाइनर है, आप देख सकते हो, बस इसे ही मैं, लिक्विड आई लाइनर है, इसे ही मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी। पेंसिल आईलाइनर भी मिलती है, आप पेंसिल आईलाइनर अगर आपके पास हो तो वो भी आप इजीली यूज कर सकते हैं। तो बिगनर्स के लिए पेंसिल आईलाइनर बहुत ही इजी होता है लगाना, तो यहाँ पर है मेरे पास, लेकिन आज मैं लिक्विड आईलाइनर ही यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे पेंसिल आईलाइनर भी यूज करो, तो यहाँ पर ज़्यादा मोटा नहीं लगाएंगे हम आईलाइनर। यहाँ लग गया लाइनर मेरा, और मेक श्योर कि आप जब भी मेकअप करो तो मेकअप स्टार्ट से पहले आप लिप बम जरूर लगा लो, और लिप बम जब भी लगाओ तो ऐवे ही लगा के मत छोड़ दिया करो, लगाओ तो उससे पहले लिप बम को अच्छे से अपने लिप पर इस तरीके से, इस तरीके से मसाज जरूर करो। इससे क्या होता है, आपका लिप जो है अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाता है, एंड लिपस्टिक आपके लिप पर बहुत अच्छे से स्मूथली लग जाती है। तो मैं पहले भूल गई थी, तो जब तक मैंने सोचा कि मेरा आईलाइनर सूखेगा तब तक मैं अपने लिप को कर लूँ। तो यहाँ पर मेरा आईलाइनर सूख गया है, अब बारी है मस्कारा की। तो यहाँ पर भी मैं मस्कारा के लिए ब्लू हेवन का मस्कारा, मैं लाइनर मस्कारा यूज कर रही हूँ, क्या बोल रही हूँ मैं भी लाइनर, चलो मस्कारा यूज करती हूँ मैं इसमें। अब इस तरीके से आपको मस्कारा आप जब भी लगाओ तो इस तरीके से लगाओ, ऐसे ऐसे करके, तब ऊपर भी करो, एक दो बार इस तरह से करो स्मच, फिर ऊपर करो, ऐसे करो, फिर ऊपर करो,
एंड अपने आईने को नीचे रखो, उसके बाद आप इस तरीके से करो ताकि आपका जो ये आईलिड है ना इस तरीके से प्लेन रहे। इस तरीके से कभी मत लगाना, जब भी लगाना इस तरीके से हल्का सा सर को ऊपर करके और तब लगाना। तो मैं यहाँ मस्कारा यूज कर ले रही हूँ। आँखों के लिए मेन पार्ट होता है मस्कारा। अगर आपने मस्कारा अच्छे से अप्लाई किया है तो आपकी आईज जो है बहुत फ्लॉलेस दिखेगी एंड बहुत ही सुंदर दिखेगी, देख सकते हो। एंड लोअर लैशेस में भी मैं लगा ले रही हूँ। लोअर लैशेस के लिए आपको बहुत आराम से लगाना पड़ता है क्योंकि जो भी लगाते हैं ना नीचे आ जाती है इसकी जो प्रोडक्ट है, तो इसलिए आप नीचे ऐसे देखो उसके बाद इस पर आप अप्लाई करो। तो आप ध्यान रखो कि इस आईने में देखो कि शीशे में आपके जो हेयर दिख रहे हैं सिर्फ हेयर में लगे, वाटर लाइन में भी ना लगे, सिर्फ हेयर में लगे। तो उस तरीके से अप्लाई कर लेती हूँ मैं। दोनों मस्कारा लग गया मेरा, अब हम लगा रहे काजल। तो ये एडीएस का परफेक्ट काजल है, तो मैं इसे लगा ले रही हूँ अपने वाटर लाइन पे एंड अपर वाटर लाइन पे। तो इसमें एक ट्रिक मैं ये बता रही हूँ काजल में कि आप जब भी काजल यूज कर रहे हो मेकअप में तो आप पहले वाटर लाइन पे लगाओ, उसके बाद आप अपर वाटर लाइन पर भी लगाओ। उससे क्या होता है ना कि आपकी जो परफेक्ट आईज की जो शेप है ना, जो काजल आपने यूज किया है वो बहुत अच्छे से आपके आईज पर उभर के आता है, दिखता है काजल। तो कैसे लगाना है मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमें वाटर लाइन पर काजल लगा लेनी है। काजल लगी है, अब अपर वाटर लाइन पर आप कैसे लगाएंगे तो यहाँ ट्रिक बताती हूँ। आप हल्का सा इसे ऊपर करो एंड इस तरीके से आप शीशे में मत देखो, आप अंदाजे से इस तरीके से लगाओ। अगर आप शीशे में देख कर लगा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लग रहा आपसे तो आप आंखें बंद कर लो, उसके बाद आप अंदाज से इस तरीके से लगा लो। देखो लग चुका है एंड आईज आपकी हल्की सी डार्क दिखेगी। तो सेकंड में भी इसी तरीके से आपको करना है। यहाँ पर मेरा काजल भी लग गया है अच्छे से। अब स्टेप बताती हूँ मैं। अब क्या है कि हमने जो लिपस्टिक लगाई थी सिमरी के लिए, उसी लिपस्टिक को हमें लेना है और हमें नीचे के जो वाटर लाइन है लेना है, और नीचे जो मैंने काजल लगाया है बस हमें नीचे इस तरीके से हल्का सा काजल के नीचे इस तरह, देख सकते हैं साइन आ गई ना आपके काजल पर। इसकी ये है हमारी थर्ड ट्रिक। इसमें इसको लगाने से क्या होता है कि आप अगर लगाओगे ना तो जो आपका काजल है ना फैलेगा नहीं। किसी किसी का क्या होता है काजल आंखों में टिकता नहीं है कि, तो यहाँ पर मैंने जो आईज के लिए यूज किया है वही लिपस्टिक मैं लिप के लिए भी यूज करूंगी। तो मैंने जो बाम लगाया था ना वो हल्के से ज्यादा है, तो उसे भी हम को अगर आपको ग्लॉसी लिप पसंद है तो आप बाम के ऊपर लिपस्टिक अप्लाई करो। अगर ग्लॉसी लिप पसंद नहीं है, मैटी पसंद है, तो आप जब बाम लगाए हो उसे अच्छे से रूमाल से या किसी भी टिश्यू पेपर से आप बाम को साफ कर लो। देखो इस तरीके से साफ कर लिया मैंने, और बाम से जो हमारे लिप मॉइस्चराइज, होगी बहुत अच्छे से। तो इसमें भी हल्की शाइन आ रही है, आप देख सकते हो हल्की शाइन है। तो अगर आपको मैटी फिनिशिंग चाहिए तो आप इस तरीके का रुमाल लो, बस डिप कर लो और आप देखो मैटी फिनिशिंग आ रखी। सो अगर इसमें भी मैं एक ट्रिक बताती हूँ, अगर आईज के जैसा आपको मेकअप चाहिए तो लिप हो गया। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गई मेरी लुक। अगर आप बिंदी लगाते हो तो बिंदी लगा सकते हो, अदरवाइज आप इसी तरीके से कर सकते हो। सो ये हुआ मेरा फाइनल लुक। यहाँ पर मैंने दो हुप्स लगा लिए हैं एंड बालों को अभी स्ट्रेट ही रखा है, खुला ही रखा है मैंने। तो अगर आपको हेयर स्टाइल आती है तो आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि आप अगर छोटे मोटे फंक्शन में जा रहे हो, अगर इसी तरह से सिंपल लुक चाहिए तो आप किस तरीके के हेयर स्टाइल उसमें यूज कर सकते हो। तो ये रहा फाइनल लुक, कैसा लगा आपको? अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा गाइज, आपकी एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस यार एक बटन ही तो दबानी है यार, अगर वीडियो अच्छी लगे, थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ उसे लाइक कर देना एंड वीडियो चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कर देना विद बेल बटन। और
कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये लुक कैसा लगा, और आपको और कैसा लुक चाहिए, सिंपल चाहिए, हेवी चाहिए, या कोई और डिफरेंट अगर कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।